हेलो एवरीवन, मेरा नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों, पावर प्लांट इंजीनियरिंग के यूनिट 9 के लेक्चर नंबर 1 की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर आज मैं आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताने वाला हूँ, गैस टर्बाइन। देखिए दोस्तों, GTO के अंदर गैस टर्बाइन चैप्टर 3 to 5 मार्क्स का पोर्शन है। इस चैप्टर में से आपको कोई भी एक सवाल या एक थियोरी पूछी जा सकती है। गैस टर्बाइन आप लोगों के लिए पावर प्लांट का एक हिस्सा है। जिस तरह से हम लोगों ने थर्मल पावर प्लांट के बारे में पढ़ा, थर्मल पावर प्लांट को आप लोग स्टीम पावर प्लांट भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि थर्मल पावर प्लांट के अंदर हम लोग वाटर को इवापोरेट करते हैं हाई टेम्परेचर के अंदर, उसको कन्वर्ट करते हैं सुपर हीटेड स्टीम में, और फिर उस सुपर हीटेड स्टीम का हम लोग यूटिलाइजेशन करते हैं टर्बाइन को घुमाने के लिए। मतलब कि आपका जो थर्मल पावर प्लांट है, जिसके अंदर आप लोगों ने कोल एज अ फ्यूल बर्न किया है, और उसकी वजह से उसकी हीट एनर्जी से आप लोगों ने वाटर को इवापोरेट करके हाई प्रेशर स्टीम में कन्वर्ट करके टरबाइन को घुमाया, तो ऐसे थर्मल पावर प्लांट को बोलते हैं स्टीम पावर प्लांट। जिस तरह से वाटर को हम लोग हाई प्रेशर स्टीम में कन्वर्ट करके हम लोग पावर प्लांट को चला सकते हैं, मतलब कि हम हमारे टर्बाइन को चलाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से विद द हेल्प ऑफ द कम्बशन ऑफ फ्यूल। फ्यूल के कम्बशन की वजह से जो भी हॉट गैसेस जनरेट हो रही है, विद द हेल्प ऑफ दोज हॉट गैसेस वी कैन ऑल्सो रन अ टर्बाइन, और ऐसे पावर प्लांट को बोलते हैं गैस टर्बाइन पावर प्लांट। तो आज मैं आप लोगों को यही गैस टर्बाइन पावर प्लांट के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको क्लासिफिकेशन बता दूँ, बेसिक क्लासिफिकेशन क्या है। इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सवाल एक ही बार आया हुआ है, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बेसिक नॉलेज के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहला क्लासिफिकेशन होता है द बेसिस ऑफ द कम्बशन प्रोसेस। हम लोगों ने EME एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अभी जो BME सब्जेक्ट आता है फर्स्ट सेमेस्टर में, और D2D में आपके फिफ्थ सेमेस्टर में जो थर्मल इंजीनियरिंग या थर्मोडाइनमिक्स का सब्जेक्ट आता था, उसमें आप लोगों ने कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस पढ़ी थी। तो ये जो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ी हुई थी, उसी के बेस पर आपका सबसे पहला क्लासिफिकेशन होता है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और एक्सप्लोजन टाइप गैस टर्बाइन, और दूसरा होता है कॉन्स्टेंट प्रेशर या कंटिन्यूस कम्बर्शन टाइप गैस टर्बाइन। ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है एक्सियल फ्लो गैस टर्बाइन और रेडियल फ्लो। एक्सियल फ्लो मतलब आप लोगों की जो हॉट गैसेस होगी वो स्ट्रेट लाइनिंग में आएगी, और रेडियल का मतलब होगा आप लोगों की सर्कुलर मैनर में आपको टर्बाइन के अंदर आपकी गैसेस मिलेगी। थर्ड वन, अकॉर्डिंग टू एक्शन ऑफ एक्सपांडिंग गैसेस, किस तरह से आपके टरबाइन के अंदर आपकी गैस एक्सपांड हो रही है। जिस तरह से हम लोगों ने हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर अलग अलग टरबाइन्स पढ़े थे, इंपल्स टरबाइन है, रिएक्शन टरबाइन, जो आप लोगों के फिफ्थ सेमेस्टर में फ्लूड पावर इंजीनियरिंग में आते थे, उसके अंदर भी कुछ इसी तरह से होता था कि हम लोग जेट की डायरेक्शन के बेस पर हम हमारे टर्बाइन को घुमाते थे। तो यहाँ पर भी उसी तरह की प्रोसेस होगी कि गैस को आप किस तरह से एक्सपांड करो, एक इंपल्स और दूसरा इंपल्स रिएक्शन गैस टरबाइन के बेस पर। चौथा क्लासिफिकेशन जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और इसे यही हम लोगों को पढ़ना है। द फोर्थ क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ द पाथ ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, किस तरह से आपका गैस टरबाइन वर्क कर रहा है। तो पहला ओपन साइकिल गैस टरबाइन, दूसरा क्लोज साइकिल गैस टरबाइन, एंड द लास्ट वन इज सेमी क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। इन तीनों में ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल गैस टरबाइन बेसिक है आप लोगों के लिए, बेसिक कंसेप्ट है जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ। द फिफ्थ क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू थर्मोडाइनेमिक साइकिल। थर्मोडाइनेमिक साइकिल, देखिए रैंकन साइकिल इज द साइकिल विच इज ऑपरेटेड इन टू द थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि थर्मल पावर प्लांट के अंदर कौन सी साइकिल ऑपरेट होती है, तो रैंकन साइकिल इज द आंसर। उसी तरह से गैस टर्बाइन के अंदर भी साइकिल यूज होती है, तो वो साइकिल कौन सी है। तो नंबर वन सिंपल साइकिल, आप लोगों ने थर्मोडाइनेमिक्स में भी ये चीज पढ़ी हुई है चैप्टर नंबर 7 के अंदर, कि गैस टर्बाइन के अंदर क्या क्या साइकिल आती है, और गैस टर्बाइन की एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए, उस पावर प्लांट की एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स हम लोगों को यूज़ करने चाहिए। तो ये उसी के बेस पर है, सबसे पहले सिंपल साइकिल, फिर दूसरा सिंपल साइकिल विथ इंटरकूलिंग, आप लोगों को एक एयर कूलर ऐड कर देना जिसकी वजह से आप एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हो। द नेक्स्ट वन इज सिंपल साइकिल विथ रीजनरेशन, फिर से आपकी गैस को कॉम्प्रेस करके उसका रीयूटिलाइजेशन करो, एग्जॉस्ट गैसेस जो टर्बाइन में से बाहर निकल रहे हैं। चौथा सिंपल साइकिल विथ रीहीटिंग, फिर से आपकी गैसेस को रीहीट करो, उसको सुपर हीटेड कंडीशन से और भी ज़्यादा सुपर हीटेड कंडीशन पर ले जाओ, और लो प्रेशर टर्बाइन के अंदर भी आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो, जो कि सेकेंडरी टर्बाइन के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। एंड द लास्ट वन इज सिंपल साइकिल विथ इंटरकूलिंग, रीजनरेशन एंड रीहीटिंग, तीनों के तीन प्रोसेस के साथ में कॉम्बिनेशन में। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू शाफ्ट कॉन्फ़िगरेशन। सिंगल शाफ्ट कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि टर्बोजेट इंजन है, टर्बो शाफ्ट इंजन है, मल्टी शाफ्ट मतलब के टू शाफ्ट इंजन, फिर टर्बोजेट इंजन, इंडस्ट्रियल स्लिट शाफ्ट इंजन, ट्विन स्पूल इंजन, एंड द लास्ट क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन। कौन से
एप्लीकेशन के अंदर कौन सी यूसेज के लिए आपको गैस टर्बाइन की ज़रूरत है, तो पावर और इंडस्ट्रियल गैस जनरेशन, पावर जनरेशन मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस के लिए, एविएशन और एयरक्राफ्ट टर्बाइन मतलब कि एरोप्लेन को चढ़ाने चलाने के लिए पावर, आपके पावर फाइटर्स फाइटर जेट्स जो होते हैं उसको चलाने के लिए। ठीक है, आप लोगों को अब जब सिक्स्थ सेमेस्टर में थे तो आप लोगों ने एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ा है। ठीक है, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर आपको पता होगा कि हम लोग हमारी एटमोस्फेरिक एयर को रैम एयर में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको कम्बशन चैम्बर के अंदर हम लोग कम्बस्ट करते थे, और उसको कम्बस्ट करने के बाद में जो भी हॉट गैसेस जनरेट होती थी उससे हम लोग टर्बाइन चलाते थे। ये सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये वही इसका एक एप्लीकेशन है कि एविएशन और एयरक्राफ्ट टर्बाइन्स के तौर पर भी इसका यूज़ किया जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए सिंपल साइकिल या सिंपल ओपन साइकिल गैस टर्बाइन, फिगर के बेस पर समझाऊंगा ताकि आपको जल्दी पता चले। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बता दूं कि सिंपल ओपन साइकिल गैस टर्बाइन के बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या है। सबसे पहला कंपोनेंट होगा, एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर, दिस इज़ द कंप्रेसर, ये है आपका कंबशन चैम्बर, गैस टर्बाइन, एंड द लास्ट वन इज़ जनरेटर। जनरेटर इसीलिए क्योंकि आपकी मैकेनिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी टर्बाइन के घूमने से, हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। इसीलिए आप देख सकते हो फिगर के अंदर आप लोगों के पास में टोटल तीन चार प्रोसेस होगी, प्रोसेस 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड लास्ट 4। और एटमोसफेयर के अंदर मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से, 1 to 2 के बीच में कॉम्प्रेसर है, मतलब इस प्रोसेस को बोलेंगे कॉम्प्रेशन प्रोसेस। 2 to 3 के बीच में कम्बशन चैम्बर है जिसके अंदर से आपको फ्यूल एंटर करवाना है, मतलब ये हो जाएगा आपकी कम्बशन प्रोसेस। 3 to 4 आपका गैस टर्बाइन है जहाँ पर आप लोगों को टर्बाइन वर्क मिलने वाला है, मतलब ये आ जाएगा आपके टर्बाइन वर्क। अभी 1 to 2 के बीच में देखो कंप्रेसर है। अब आपको बेसिक कंसेप्ट आपका पता है कि कंप्रेसर का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, तो कंप्रेसर इज यूज टू प्रोड्यूस हाई प्रेशर फ्रॉम लोअर टू हायर। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जब हमारे टायर में, हमारे व्हीकल के अंदर टायर में हवा भरवा तो डेफिनेटली द प्रेशर ऑफ दैट कंप्रेस्ड एयर इज टू मच हाई विद कम्पेयर टू द एटमोस्फेरिक लेवल। तो उस एटमोस्फेरिक लेवल से जो हाई टेम्परेचर आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है, वो किस तरह से मिल रहा है, क्योंकि कंप्रेसर के अंदर हम लोगों ने हमारे एटमोस्फेरिक एयर को कंप्रेस किया है। द सेम थिंग विल ओवर द सेम थिंग विल हैपन ओवर हियर, यहाँ पर भी वही चीज़ होने वाली है। आप फिगर के अंदर देख सकते हो कि एटमोस्फेरिक एयर जो होगी वो हम लोग कंप्रेसर के अंदर एंटर करवाएंगे। ठीक है, अब कंप्रेसर के अंदर क्या होगा, तो कंप्रेसर की प्रोसेस की वजह से आपकी एटमोस्फेरिक एयर कंप्रेस्ड होगी। कंप्रेस्ड होने की वजह से क्या होगा, द प्रेशर ऑफ दैट एटमोस्फेरिक एयर विल इंक्रीज टू मच हाई। यहाँ पर प्रेशर आप लोगों को काफ़ी हाई मिलता है, एटलीस्ट 50 to 100 bar तक आप लोगों को मिल सकता है, क्योंकि हम लोगों को काफ़ी अच्छा कंबशन करना है। अब आप लोगों ने सिक्स्थ सेमेस्टर आईसी इंजन में पढ़ा होगा टर्बो चार्जिंग के बारे में, टर्बो चार्जिंग के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम लोग उसके अंदर सुपर चार्जिंग, सॉरी सुपर चार्जिंग के बारे में, कि उसके अंदर हम लोग ये करते थे कि जो भी एटमोस्फेरिक एयर हमारे आईसी इंजन के अंदर कंबशन के लिए जाती है उसको पहले कंप्रेस किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी डेंसिटी काफ़ी इंक्रीज डिक्रीज हो जाती है, और डेंसिटी डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि वो प्रॉपर कंबशन देता है। द सेम फंडा इज अप्लाइड ओवर हियर, कंप्रेसर के अंदर आपके एटमोस्फेरिक एयर को कंप्रेस करने की वजह से क्या होगा कि डेंसिटी ऑफ योर एटमोस्फेरिक एयर विल डिक्रीज ड्रास्टिकली, बहुत ही ज़्यादा उसकी जो डेंसिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, और ऐसे डिक्रीज डेंसिटी की वजह से क्या होगा कि वो प्रॉपर कंबशन दे पाएगा। मतलब क्या होगा कि 1 to 2 प्रोसेस में आपके एटमोस्फेरिक एयर का प्रेशर P1 से P2 जितना, लेट से दैट सपोज करो कि P1 से P2 का जितना इंक्रीज हो रहा है, मान लो कि एटमोसफेयर का प्रेशर है 1 bar, जब आप कंप्रेसर में से बाहर निकालोगे एट दैट टाइम द प्रेशर ऑफ दैट कंप्रेस्ड एयर विल बी अबव 50 bar और 60 bar और लेट्स से 100 bar। ठीक है, तो ये आपके प्रोसेस 1 to 2 होगी। नाउ एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर, जो भी कंप्रेस्ड एयर है वो कंप्रेस्ड एयर जाएगी आपके कंबशन चैम्बर में। अब कंबशन चैम्बर में क्या होगा, हम लोग कंबशन चैम्बर के अंदर फ्यूल को सप्लाई करते हैं, जिस तरह से डीजल इंजन के अंदर हम लोग फ्यूल को सप्लाई करते हैं इंजेक्टर के थ्रू, बिल्कुल यहाँ पर उसी तरह से हम लोग फ्यूल को सप्लाई करेंगे इंजेक्टर के थ्रू, जिसकी वजह से क्या होगा कि फाइन स्प्रे पार्टिकल में आपका फ्यूल अंदर इंजेक्ट होगा। अब कंबशन चैम्बर में क्या हो रहा है कि आप लोगों की जो एटमोस्फेरिक एयर थी वो कंप्रेस्ड एयर हो गई है, उसका टेम्परेचर काफ़ी हाई है, ऐसी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वाली एटमोस्फेरिक एयर आपके फाइन स्प्रे पार्टिकल वाले फ्यूल के साथ में मिक्सडअप होगा, और मिक्सडअप होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर आपके फ्यूल का कंबशन होगा। अब फ्यूल का जो भी कंबशन होगा तो इस फ्यूल के कंबशन की वजह से हॉट गैसेस जनरेट होगी, और वो हॉट गैसेस जनरेट होकर के कंबशन चैम्बर से निकल के सीधे आपके गैस टरबाइन में आएगा। गैस टरबाइन में जैसे ही आप लोगों की हॉट गैसेस आएगी वो टरबाइन की ब्लेड के साथ में स्ट्राइक करेगा, टरबाइन की ब्लेड के साथ में स्ट्राइक करने की वजह से योर टरबाइन विल
कंटिन्यूसली रोटेट टर्बाइन आपको घूमना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पर होता क्या है, देखो थर्मल पावर प्लांट के अंदर जनरली हम लोगों को जो आरपीएम मिलते हैं हमारे थर्मल पावर प्लांट में टर्बाइन के आरपीएम, वो मैक्सिमम लिमिट में जाते हैं अबाउ 14,000 RPM, इससे या बहुत से बहुत 16,000 RPM तक जाता है। गैस टर्बाइन पावर प्लांट के अंदर इतना ज़्यादा नहीं होता। गैस टर्बाइन पावर प्लांट के अंदर जनरली द आरपीएम ऑफ द टर्बाइन इज वर्किंग जो मैक्सिमम कंडीशन तक जा सकता है वो होता है 4 to 5,000 RPM। अभी 4 to 5,000 RPM जितनी कैपेसिटी के साथ में जब आपका टर्बाइन घूमेगा तो डेफिनेटली इट विल प्रोड्यूस ए मोर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ थर्मल पावर प्लांट की कंपेयर में छोटा है, बहुत ही कम है, लेकिन यू कैन अचीव एन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन लेवल आप लोग अचीव कर सकते हो। तो टरबाइन की शाफ्ट घूमेगी। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है कि कंप्रेसर की शाफ्ट और टरबाइन की शाफ्ट को हम लोग एक ही लाइनिंग में रखेंगे। होगा क्या कि शुरुआत में आपको कंप्रेसर चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, लेकिन जब आपके टरबाइन के अंदर आपकी हॉट गैसेस पहुंचेगी तो जैसे टरबाइन घूमेगा टरबाइन के साथ में आपकी टरबाइन की शाफ्ट भी घूमेगी ये वाली। अब टरबाइन की जो शाफ्ट है वो कंप्रेसर की शाफ्ट के साथ भी जुड़ी हुई है, तो सीधी सी बात है टरबाइन की शाफ्ट घूम रही है, टरबाइन घूम रहा है उसकी हेल्प से आपका कंप्रेसर भी घूमेगा। तो यहाँ पर आप लोग इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकते हो कंप्रेसर को चलाने के लिए, तो ये आप लोगों के लिए पावर सेविंग हो जाएगा। तो गैस टरबाइन जैसे जैसे घूमेगा वैसे वैसे आप करो कंप्रेसर को भी घुमा सकते हो, ठीक है। कंप्रेसर घुमाने के बाद में गैस टरबाइन की शाफ्टिंग का जो एंड पॉइंट दूसरा एंड पॉइंट होता है वो होता है आपके इलेक्ट्रिकल जनरेटर के साथ में। इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या करता है, तो मैकेनिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन करता है और उस एनर्जी को फिर हम लोग स्टोर करते हैं और उसको हम लोग फिर बाद में वापस से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अब गैस टरबाइन के अंदर क्या हुआ, आप लोगों की जो हॉट गैसेस थी वो हॉट गैसेस टरबाइन के साथ स्ट्राइक करके बाहर निकलेगी। अब आप लोगों का जो गैस टरबाइन का एंड पॉइंट होता है वो एटमॉस्फेरिक लेवल के साथ में ओपन होता है, तो होगा क्या कि जो भी आप लोगों की हॉट गैसेस है वो सीधी आपके एटमोसफेयर में चली जाएगी। तो ये आपकी प्रोसेस 4 to 1, 1 तो नहीं कह सकते, 1 ही हो जाएगा, 1 कह भी सकते हो क्योंकि 1 आप लोगों ने एटमोसफेयर कंसिडर किया, तो यू कैन से दैट ये आपकी प्रोसेस हो जाएगी 4 to 1 एक्सपांशन। तो जिसका एग्जॉस्ट सॉरी तो जिसके अंदर क्या होगा कि गैस टरबाइन के अंदर जो भी आप लोगों की हॉट गैसेस थी वो सारी हॉट गैसेस आप लोगों की एटमोसफेयर के अंदर रिलीव हो जाएगी। नाउ एडवांटेजेस, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं सिंपल ओपन साइकिल गैस टरबाइन के। सबसे पहला सिंप्लिसिटी, काफ़ी सिंपल है, आप लोगों ने देखा होगा कोई ज़्यादा कंपोनेंट्स वर्किंग कंपोनेंट्स नहीं है, ठीक है। तो वाइब्रेशन के चांसेस कम है, लुब्रिकेशन के चांसेस कम है, इग्निशन सिस्टम काफ़ी सिंपल होता है क्लोज साइकिल की कंपेयर में। क्लोज साइकिल में आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी, सिंस डिफरेंट प्रोसेसेस विद इन साइकिल टेक पार्ट इन सेपरेट कंपोनेंट्स, अ ग्रेट वैरायटी इन द अरेंजमेंट ऑफ द सिस्टम इज पॉसिबल। अगर इसके सिस्टम के अंदर आपको जितना भी चेंजेस करना आप कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी सिंपल साइकिल है, सीधा साधा अरेंजमेंट है, तो फ्लेक्सिबल आप लोगों के लिए हो सकता है कि इसके अंदर अरेंजमेंट में कुछ चेंज करना हो तो आप कर सकते हो। लो वेट एंड साइज, काफ़ी लोअर साइज का होता है, वेट भी काफ़ी कम होता है, तो आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा पर किलोवाट एनर्जी डेवलप कर सकते हो। इंडिपेंडेंट सिस्टम, द ओपन साइकिल गैस टरबाइन पावर प्लांट एक्सेप्ट दोज हैविंग इंटरकूलर डज नॉट रिक्वायर कूलिंग वाटर, देयरफॉर द प्लांट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कूलिंग मीडियम एंड बिकम सेल्फ कंटेंट। ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होने के चांसेस नहीं है, मतलब ज़्यादा हीट एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोगों को कूलिंग सिस्टम की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। हाँ कूलिंग की जरूरत तो है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि जितना आप लोगों को थर्मल पावर प्लांट में जरूरत पड़ेगा या क्लोज साइकिल के अंदर जरूरत पड़ेगा। फ्यूल्स, तो जनरली हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स के अंदर फ्यूल्स का यूज़ होता है कि जो हाई ऑक्टेन रेटिंग वाले हो, जैसे कि डीजल, हैवी डीजल्स, ठीक है। सॉलिड फ्यूल्स का भी आप लोग यूज़ कर सकते हो लेकिन हैवी डीजल इज द बेस्ट फ्यूल टू यूज़ इन टू द कंबशन चैम्बर इन ओपन साइकिल गैस टरबाइन। वार्म अप टाइम, मतलब कि स्टार्टिंग करने के लिए कितना टाइम चाहिए। आफ्टर द टर्बाइन हैज बीन ब्रॉट अप द स्पीड बाय द स्टार्टिंग मोटर एंड द फ्यूल इग्नाइटेड इनटू द गैस टर्बाइन विल एक्सेलरेट फ्रॉम कोल्ड स्टार्ट टू फुल लोड विदाउट ए वार्म अप टाइम। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जैसे ही आपने मोटर चालू की, आपके टर्बाइन का शाफ्ट घुमा है, जैसे ही आपके कंप्रेसर ने काम करना शुरू कर दिया है, विद इन अ टाइम विद इन अ लिमिट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ टाइम आप लोगों का जो टर्बाइन होगा, मतलब कि आपकी जो साइकिल होगी वो रन होनी शुरू हो जाएगी। मतलब वार्म अप टाइम के लिए ज़्यादा टाइमिंग्स नहीं चाहिए, वार्म अप टाइम आपका कम जाएगा। अभी डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, पार्ट लोड परफॉर्मेंस, द पार्ट लोड एफिशिएंसी ऑफ द ओपन साइकिल प्लांट डिक्रीजेस रैपिडली एज द कंसिडरेबल परसेंटेज ऑफ पावर डेवलप बाय द टर्बाइन इज यूज टू ड्राइव द कंप्रेसर, ऑल्सो द सिस्टम इज सेंसिटिव टू द चेंजेस इन कंपोनेंट एफिशिएंसी। मैंने आपको वर्किंग में पहले ही बताया कि टर्बाइन की जो शाफ्ट है वो कंप्रेसर की शाफ्ट के साथ में भी जुड़ी हुई है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जब आपका टर्बाइन घूम रहा है तो वो थोड़ा सा एनर्जी ट्रांसफर करता है कंप्रेसर को भी, तो
ये आउटपुट आप लोगों के लिए माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने जो एनर्जी है, थोड़ी सी एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई, जो लोड आप लोगों को मिला, उसका हम लोगों ने यूटिलाइजेशन कर लिया कंप्रेसर को चलाने के लिए, तो ये हमारे लिए आप लोगों के लिए एक डिसएडवांटेजेस हो जाएगा। सेंसिटिविटी कितनी, सिंस द सिस्टम सेंसिटिव इज सिंस सिस्टम सेंसिटिव टू द कंपोनेंट एफिशिएंसी पर्टिकुलरली दैट ऑफ कंप्रेसर, द एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन सच एज टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ एयर एट द इनलेट एंड फॉरेन मैटर कंटेंट इन द एयर। जैसे कि आप लोगों को मैं बेस्ट एग्जांपल दूँ, समर सीजन और विंटर सीजन, सॉरी मॉइस्चर रेनी सीजन के अंदर क्या होता है कि मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, और विंटर सीजन के अंदर क्या होता है कि आप लोगों की एयर ड्राई होती है, ठीक है। तो ये फ़र्क है कि मॉइस्चर कंटेंट वाली एयर जब आप लोग यूज़ करोगे तो आप लोगों के लिए हजार्डस है, आप क्रोजन इरोजन इफेक्ट लगने के चांसेस होते हैं, लेकिन विंटर के अंदर आप लोगों को ड्राई एयर मिलती है, ह्यूमिडिटी आपकी काफ़ी कम होती है, तो उसकी वजह से आपको ड्राई एयर मिलने की वजह से क्या होगा कि आपका टर्बाइन काफ़ी अच्छे से कम हो सके सॉरी काफ़ी अच्छी तरह से वर्किंग कर पाएगा। तो सेंसिटिविटी यहाँ पर डिफेक्ट करता है कि उसकी एफिशिएंसी आपकी या तो इंक्रीज होगी या तो बढ़ेगी। हाई एयर रेट, द सिंपल ओपन साइकिल गैस टर्बाइन हैज़ अ वेरी हाई एयर रेट एज कम्पेयर्ड टू द अदर प्राइम मूवर्स, हाउएवर द एयर रेट मे बी लोअर्ड बाई इंटरकूलिंग एंड रीहीटिंग। अगर एयर कमिंग रेट, एयर रेट का मतलब ये हो गया कि एटमोस्फेरिक एयर जो आप लोग एंटर करवा रहे हो कंप्रेसर के अंदर, उसके रेट को आपको कितना मेंटेन करना है, वो आप या तो इंटरकूलर या तो रीहीटर का यूज़ करके कम कर सकते हो। इरोजन एंड करोजन इफेक्ट, द वर्किंग फ्लूड इज मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल सिंस एयर कंटेंट्स डर्ट बीइंग डिपॉजिट ऑन द कंप्रेसर ब्लेड। मैंने आपको पहले ही बोला कि जो भी हम लोग एयर का यूज़ कर रहे हैं या तो उसके अंदर मॉइस्चर होगा या तो उसके अंदर डस्ट पार्टिकल होंगे। अगर डस्ट पार्टिकल है तो टर्बाइन सॉरी कंप्रेसर की ब्लेड के ऊपर वो डिपॉजिट करेगा, बराबर डिपॉजिट यानी जमा हो जाना, कचरा जमा हो जाना, ठीक है। तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, ड्यू टू द कार्बन एंड अदर फॉरेन डिपॉजिट फ्रॉम द कंबशन इन द कंबशन चैम्बर टर्बाइन एंड रीजनरेटर, इट इज नेसेसरी दैट द डस्ट शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग इन टू द कंप्रेसर इन ऑर्डर टू मिनिमाइज इरोजन एंड डिपोजिशन ऑन द ब्लेड एंड पैसेज ऑफ द कंप्रेसर इन टर्बाइन। अगर आप लोगों ने एयर को फिल्टर नहीं किया है, अगर आप लोगों ने प्योर एयर का यूटिलाइजेशन नहीं किया है, तो चांसेस क्या हो जाएंगे कि इरोजन करोजन इफेक्ट इस तरह से आएगा कि डर्ट पार्टिकल है, मॉइस्चर कंटेंट, इसकी वजह से आपकी टर्बाइन की ब्लेड क्या हो जाएगी, तो धीमे धीमे जिसको हम लोग नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं खवाई जाओ, गुजराती में जिस तरह से बोलते हैं, वो कट जाएगी, ठीक है। तो क्या होता है कि आप लोगों को डर्ट क्या होती है, डर्ट धीमे धीमे जमा होती है। जैसे कि आप अपने घर के फैन को देखना, फैन की जो ब्लेड होती है उसको एक बार साफ करने के बाद में आप 2 महीने 4 महीने के बाद में देखोगे तो उसके ऊपर डर्ट जमा होगी होगी, डस्ट आपकी जमा होगी होगी, उसको हम लोग क्लियर करना पड़ता है। सर द सेम थिंग विल हैपन ओवर हियर, यहाँ पर भी वही चीज़ होती है कि एयर के अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल होंगे वो डस्ट पार्टिकल आपके टर्बाइन के ब्लेड के ऊपर, आपके कंप्रेसर की ब्लेड के ऊपर क्या हो जाएंगे, जमा होते जाएंगे, और जमा होने की वजह से एक समय ऐसा आएगा कि वो डिपॉजिट बन जाएंगे और इसको फिर काटने लगेंगे, मतलब कि उसके अंदर मेंटेनेंस का चार्जेस बढ़ा देगा, मेंटेनेंस का काम आपका बढ़ा देगा। और अगर मॉइस्चर कंटेंट आपके एटमोस्फेरिक एयर के अंदर है तो इरोजन के भी चांसेस रहते हैं। द लास्ट वन इज इन द सिंपल ओपन साइकिल टर्बाइन एग्जॉस्ट इज डिस्चार्ज इन टू द एटमोसफेयर सिंस टर्बाइन एग्जॉस्ट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ हीट। हम लोग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी का यूटिलाइजेशन टर्बाइन के अंदर नहीं कर सकते। ओपन साइकिल गैस टर्बाइन का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि आप लोग 30-40% हीट एनर्जी का ही यूटिलाइजेशन कर सकते हो, बाकी की सारी वेस्टेज हो जाती है जो हम लोग एटमोसफेयर में छोड़ देते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों मैं आपको क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन के बारे में पढ़ाऊंगा। ओपन साइकिल गैस टर्बाइन जीटीयू के अंदर 2 से 3 बार आ चुका है, 4 मार्क्स का सवाल है। ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि गेट के एग्जाम में भी इसके बारे में पूछा जाता है। आई होप कि आपको इसमें समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछेगा। थैंक यू सो मच।